नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी संगठन ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम ब्लॉक सभागार में आयोजित किया। वहीं इस कार्यक्रम में धौराहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने शिरकत करने के साथ ही 5 नवजात शिशुओं को खीर खिलाकर अन्नप्राशन किया और 5 गर्भवती महिलाओं को फल बांटकर उनकी गोद भराई की रस्म करते हुए उनको स्वस्थ रहने की सलाह दी। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने सांसद को ज्ञापन सौंप कर वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। तो लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आ रही है, जहां आंगनबाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पे बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया और महिलाओं की गोद भराई कराई गई। जहां गोद भराई में सांसद ने फल वितरित किए, उनको स्वस्थ रहने की सलाह दी, तो वहीं 5 बच्चों का खीर खिलाकर अन्नप्राशन भी कराया। खबर संभल के असमोली थाना के गांव रामनगर से है, जहां स्वास्थ्य महकमे ने जब गांव में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाया तो भूचाल आ गया। हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराने के बाद 55 सैंपल लेने पर सभी पॉजिटिव मिले, जिसके बाद फिर 85 सैंपल लिए गए जिसमें 55 फिर पॉजिटिव मिले हैं और जांच में अब तक 50% से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस मामले में गांव के लोगों का कहना है कि शुगर मिल्क डिस्लरी से जमीन में दूषित पानी डाला जा रहा है, जिसके बाद हालात बिगड़ते हैं। वहीं इस मामले पर शुगर मिल के अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है, जबकि डीएम और एसडीएम ने मामले पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। अब तक हमारे यहाँ 228 लोगों की हमने जांच की है, जिसमें से 129 लोग हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट में 129 पॉजिटिव आए हैं और इसके अलावा हमने लगभग 76 लोगों के वायरल लोड के लिए हमने सैंपल दोबारा। तो दूषित पानी की वजह से कई लोग हेपेटाइटिस सी के संक्रमित पाए गए हैं। हेपेटाइटिस सी की चपेट में कई ग्रामीण आए हैं। आपको बता दें कि जांच में अब तक 50% से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो चुके हैं। इस मामले पर गांव के लोगों का कहना है कि शुगर मिल की डिस्टिलरी से जमीन में दूषित पानी जाता है और इसके बाद हालत बिगड़े हैं। वहीं इस मामले पर शुगर मिल के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, जबकि डीएम और एसडीएम ने मामले पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अभी देखना यह होगा कि क्या इस पे कार्रवाई होती है, क्या ग्रामीणों की सेहत पे कोई सुधार होता है या फिर ये बीमारी यूं ही बढ़ती रहती है। संभल से ये खबर सामने आ रही है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? असमोली का पूरा मामला है। असमोली में सुअर डीएसएम सुअर मील है और उसमें गांव है रामनगर पड़ता है। रामनगर में काफी बीमारी की संख्या बढ़ी है वहां तो, और उन्होंने ग्रामीणों ने शिकायत करी है डीएम साहब से और आईटीएम साहब से। उन्होंने उसका भरोसा दिलाया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और डीएसएम सुअर मील को चप्पी साधे हुए पड़ा है। जी, जिस तरह से कई लोग 50% लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले हैं, तो क्या लगता है बाकी लोगों का भी जांच कराई जाए? सभी की जांच हो चुकी है या फिर जो है संक्रमण के लक्षण देखने के बाद ये जांच कराई गई है? तो डॉक्टर साहब मनोज चौधरी ने बताया, उन्होंने सबकी जांच कराई जा रही है और कोई भी गांव में बच्चा नहीं बिना जांच के और उनका इलाज कराया जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वहां पे लगी पड़ी है और समय समय पर दवाइयां दी जा रही है, फिर भी ग्रामीण दहशत में बने हुए हैं। जी, इसके लक्षण क्या बताए जा रहे हैं? क्या लक्षणों के आधार पर ही सभी की जाँच की गयी है या औचक जाँच करवाई गयी? कई जांचें कराई गई हैं उसमें और लक्षण सबसे ज्यादा तो काला पीलिया बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से।
तो पानी पीने से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि जिले में लगातार गंदा दूषित पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार हो रहे हैं। लोगों में लक्षण देखने को मिले, कई लोग बीमार मिले, जिसके बाद से सबकी जांच कराई गई और सैंपलिंग के आधार पर ही सबके पहले सैंपल लिए गए और उसके बाद ज्यादातर कम से कम 50% लोग इससे पीड़ित पाए गए। रुक करते अगली खबर की तरफ। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 108 जैसी महत्वपूर्ण एम्बुलेंस सेवा को मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी बना दिया गया है, जिससे बच्चे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। और ये पूरा मामला एक वीडियो के वायरल होने पर सामने आया, जिसमें जतुआ टप्पा CHC परिसर के अंदर एक नाबालिग बच्चा 108 एम्बुलेंस की गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है और CHC अधीक्षक को इस मामले की जानकारी तक नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये बच्चा CHC अधीक्षक की सेवा करते हुए भी कई बार देखा गया है। वीडियो वायरल जो हुआ है उसको अभी मेरी जानकारी में तुरंत आया है और इसका संज्ञान लिया गया है और संबंधित से तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गौतम नगर इलाके में एक ऐसी शादी हुई जो अपने आप में यूनिक और अनूठी थी, जहां पर दूल्हा दुल्हन ने शादी की रस्मों के बीच रक्तदान किया। अजीत और प्रियंका ने पहले रक्तदान किया और फिर इस शादी में आए सगे संबंधी दोस्तों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल की तरफ से किया गया था और इस कार्यक्रम में जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ वो जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा गया है, उसको गरीबों और जरूरतमंदों को समय पड़ने पर दिया जाएगा। साथ ही इस यूनिक शादी में खाने पीने का इंतजाम भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन सबसे पहले ये खाना गरीब और अनाथ बच्चों को खिलाया गया, फिर सगे संबंधियों और दोस्तों को खिलाया गया। सर, हम लोगों ने ये सोच के रक्तदान किया है कि जैसे शादी सब लोग बहुत ज्यादा धूमधड़ाम से करते हैं, लेकिन रक्तदान करने के लिए ज्यादातर लोग आगे नहीं आते हैं, तो हम लोग अपनी शादी के अवसर पर रक्तदान का शिविर लगाकर लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश किए हैं कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है। इतने सारे कार्यक्रम करते हुए भी हम लोग रक्तदान कर लिए और कोई हमको कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। हम सर इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मोटिवेशन करेंगे कि शादी समारोह में तो सभी लोग करते हैं, लाखों करोड़ों खर्चे भी करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज देने का कार्य करेंगे, ताकि जो है रक्त की वजह से किसी की मृत्यु ना हो और लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। हमें रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होता है, हाँ, और जो किसी भी जरूरतमंद को अपना रक्तदान करें, बेझिझक करें, कोई समस्या। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने शिक्षा पर असर डाला है, जिसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़े थे, लेकिन योगी 2.0 में शिक्षा को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में चंदौली के नियमताबाद ब्लॉक के प्रमुख ग्राम सभा हसनपुर कम्हारिया कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को चॉकलेट बांटकर खुश किया गया। साथ ही छुट्टी के बाद बच्चों को घर घर भ्रमण कराया गया, जिससे जो बच्चे स्कूल जाने में भटक रहे हैं वो भी स्कूल समय से पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निर्देशानुसार हम लोग विद्यालय चलो अभियान के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, बीच बीच में टॉफी बांटकर, और अभिभावक से भी संपर्क किया जा रहा है कि बच्चों को विद्यालय भेजें, और साथ साथ अभिभावक की मीटिंग भी किया जा रहा है, प्रबंध समिति की बैठक करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में ग्राम पंचायत चिमनी के रहने वाले युवक दर्शन ने अपने ही पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले पर मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक ने एक जमीन बेची थी, उसे पैसे की मांग कर रहे बेटे को पिता ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद बेटे ने चिमनी के पास हाईवे पर अपने पिता की मौत को अंजाम दिया। मारे से। कौन मारी से? दर्शन। कौन है तुम्हारा? वो लड़का। किस लिए उसने मारा है? पैसा मांग रहा है। अच्छा, आए दिन पैसे वैसे मांगता था क्या? कल हम बकरी में से हम बसंती खरीदने हैं तो खेत उनका छोड़ावा के रहा है।
तो हम एक लाख 80,000 के चेक हम जमा कयान है। फिर पैसा मांग रहा तो हम कहें चलो भैया बसंती से दवाई दी चले, लेकिन भैया दारू पिए रहे बहुत मारे। खबर लखनऊ से है, जहां डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने पश्चिम क्षेत्र के पिंक बूथ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को आगामी त्योहारों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि डीसीपी वेस्ट सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं हो, इसके लिए लगातार आला अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकल कर जायजा ले रही है। एक्टिंग और एक्टिव पिंक बूथ्स हैं, तो ये इनकी जो सर्विसेज और इनके जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इनका जो ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड है, पुलिस वुमेन डिप्लॉयड है, लेडी कॉन्स्टेबल्स, उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अपने एरिया में कौन कौन सुचारू रूप से चल रहा है, क्या क्या उनकी असुविधाएं अगर कुछ है तो क्या है, जितने सारे इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से इशूड हुए हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ऑटकेज, इन्वर्टर। कानपुर डीएम ने घाटमपुर ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई। इस दौरान पहले तो ग्रामीणों ने तालियां बजाकर डीएम नेहा शर्मा का स्वागत किया, जिसके बाद इस चौपाल में ग्रामीणों की समस्या को सुनने के साथ उसके निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं डीएम ने बच्चों से टेबल सुनने के बाद नौनिहालों को टॉफियां भी बांटी, साथ ही महिला स्वावलंबन और उनके सम्मान की रक्षा के लिए चौकी इंचार्ज को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गाँव में चौपाल आयोजन का ये है कि जो समस्याएं हैं, जैसे अभी आपने देखा एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके डेथ सर्टिफिकेट उसकी फैमिली में डेथ हुई थी फादर की, वो टाइमली नहीं मिल पाया, जिससे वो किसी लाभ से वंचित हो गया। ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर तुरंत एक्शन, और गांव के लोग जो अपनी समस्याएं उनको सीधे तौर पर खबर फरुखाबाद से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन प्रशांत कुमार ने आईटीआई चौराहे से लेकर लाल गेट तक पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों को रोककर उनको हेलमेट लगाने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस महानिदेशक का लाल गेट पर व्यापारी नेताओं ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर सहमति भी जताई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों श्रवण और अजमतुल्ला की गिरफ्तारी करते हुए दोनों की लगभग 27 लाख रुपए की संपत्ति, एक घर और एक जमीन जब्त कर ली है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लोटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक श्याम धनी राह और जिले के सीएमओ अनिल कुमार चौधरी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और कार्यक्रम में लगे स्वास्थ्य स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि सरकार गरीबों और अंतिम लाइन में खड़े लोगों के लिए काम करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भी मेले के माध्यम से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल में शराब के नशे में धुत महिला का जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान महिला जिला अस्पताल के वार्ड में घुसकर मरीजों से बेड पर जबरन लेटने की कोशिश कर रही थी और जिसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा महिला को हटाने पर स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आई। देखिए, मेरे संज्ञान में ये है, इसमें ये है कि 3 दिन पहले मेरी स्टाफ का मेरे पास फोन आया लगभग 5 बजे सुबह कि एक लड़की जो है उसका मरीज 7 नंबर में था कोई, लेकिन वो सब जगह भाग दौड़ के इधर उधर बदसलूकी कर रही है और उसने शराब पी रखी थी और मार रही थी रिश्तेदारों को, हमारी स्टाफ को, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जैसे बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि मैंने अपने इमरजेंसी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी में हमारे पुलिस रहती है, कि वहाँ से असिस्टेंस लेके आप जाइए,
को लोग गए, वहाँ पे महिला पुलिस आई और उस लड़की को थाने ले गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।